الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الغايات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزانِ گرامی آج ہر آدمی پریشان ہے لیکن عجیب بات یہ ہے پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو پریشانیوں کو تکالیف کو دور کرنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چار وعدے فرمائے ہیں پہلا وعدہ فاذکرونی اذکرکم دوسرا لئن شکرتم لأزیدنکم تیسرا وعدہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور چوتھا وعدہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان وعد اللہ حقا کائنات میں اللہ تعالیٰ سے سچی بات سچی زیادہ بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ پکا وعدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے لئن شکرتم لأزیدنکم اس کے بارے میں وضاحت کی تھی اس جمعے دوسرے وعدے کی وضاحت کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ تم مجھے پکارو مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تمہاری پکار کو سنوں گا اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اب میں یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء پریشان آدمی کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو تکالیف کو کون دور کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اب میں یجیب المضطر اذا دعاه جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ويكشف السوء اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کائنات میں سب سے زیادہ
बरगुजीदा तरीन हस्तियाँ जो होती हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन हस्तियाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम की, और अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो पुकार है, जो मदद मांगना है वो अल्लाह ताला ही से मांगना है। हज़रत अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, कौम उनकी बात नहीं मानती, उनको तकालीफ देती है, तो अल्लाह ताला हज़रत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप एक कश्ती तैयार करें जो आपके मानने वाले हैं, वस्नाइल फुल्का बिअय्युना व वहयिना, आप एक कश्ती तैयार करें जो आपके मानने वाले हैं, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं, उनको उसके अंदर सवार कर दीजिए। वक़ाल अरकबु फीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुर्सा। ये जो जमात होती है ये थोड़ी सी होती है, और दूसरी तरफ सारे के सारे जितने भी कुफार हैं सारे के सारे एक तरफ। तो इस वक्त हज़रत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह ताला मैं मगलूब हूँ, हम मगलूब हैं, हमारी मदद करना। तो इस वक्त अल्लाह ताला ही उनकी मदद फरमाते हैं। फतहना अबवाब السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر। आसमान से भी पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश होती है, और ज़मीन से भी पानी निकलता है। जो इनकी कश्ती होती है ये उस पानी पर तैरने लगती है, और जो नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला उनको हलाक कर देते हैं, जो इनको तकलीफ पहुँचाने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनको हलाक कर देते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की पुकार मदद वो अल्लाह ताला से, परेशानी आए और अल्लाह ताला से पुकार, अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लंबा अरसा जो है वो उन पर बीमारी का गुजरता है, बीमार होते हैं, किसको पुकारते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर व अंता अरहमुर्रहीम, अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि अल्लाह ताला मेरी मदद कीजिए, मुझे इस बीमारी से निजात दे दीजिए, अल्लाह ताला बीमारी से निजात दे देते। और ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में है, औलाद की ज़रूरत है, यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब, जो वारिस की ज़रूरत है, तो उस वक़्त उम्मीद ना होने के बावजूद भी अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة, अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे पाकीज़ा औलाद दे दे। अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुनते हैं, दुआ को कबूल करते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो उनके मसले को हल कर देते हैं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दे देते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के अंदर किसको पुकार रहे हैं, रब्बी हब ली मिन सालिहीन, अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। जहाँ पर दुनियावी असबाब रुक जाते हैं, जहाँ पर जवाब दे देते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करते हैं। 100 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र, और 99 साल जो है वो उनकी जो ज़ौजा मुहतरमा उनकी उम्र, लेकिन अल्लाह ताला को पुकारा, रब्बी हब ली मिन सालिहीन, अल्लाह ताला ने बिठा दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की पुकार वो अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुनते हैं। पियम याद सलाम का शेवा है और तरीक़ा है। ग़ज़वे बदर अब इसके अंदर मुशरिकीन जो है वो एक तरफ हो जाते हैं,
नबी अलैहिस्सलाम को सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को शिकस्त देने की। इसमें ग़ज़वा बदर के जो वाक़या है, मैं आप हज़रात के सामने इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ और इसके अंदर जो नतायज हैं उस पर गौर फरमाइए कि जब तकालीफ आए, परेशानी आए तो किस तरह अल्लाह ताला को पुकारना है, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, फिर अल्लाह ताला मदद भी तलब करते हैं, अल्लाह ताला मदद करते हैं जो अल्लाह ताला से मदद मांगता है। ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमान जो है वो सिर्फ 313 और दूसरी तरफ जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, वो 1000 और इनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, 2 घुड़सवार हैं और दूसरी तरफ 100 घोड़े मुशरिकीन के पास, या असबाब का आपस में तकाबुल हो रहा है, और इनके पास 70 ऊंट है, दूसरी तरफ 170 ऊंट। तो यहां पर अगर असबाब को देखा जाए, असबाब को देखते हुए ये चीज महाल मालूम होती है कि मुसलमान जो है वो जीत जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह ताला को पुकार, अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान। तो जितने असबाब थे, मुयस्सर थे, वो सारे के सारे इस्तेमाल किए, उनको लेकर मैदान जंग के अंदर मैदान बदर पे पहुँच जाते सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारा जा रहा है? अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है। तो हमारे लिए भी इसके अंदर ये सबक है कि जितने असबाब आदमी के पास सहूलत के साथ, आसानी के साथ मुयस्सर हों, उनको आदमी इख्तियार कर, उनको छोड़े नहीं। अगर उनको छोड़ेगा तो ये तातील तातुल होगा, उनसे पीछे हटे। अल्लाह ताला एक नेमत दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, उसको इस्तेमाल नहीं कर, ये तवक्कुल नहीं होगा। आजकल इसको तवक्कुल समझ लिया जाता है, ये तातुल है, इसको तातुल कहा जाता है। तवक्कुल किसको कहते हैं? कि असबाब को इख्तियार करते हुए नज़र जो है वो अल्लाह ताला पर करना, अल्लाह ताला पर रखना। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हसबुह, जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर देता है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो काफ़ी होती है। अब एक आदमी के पास सबब मौजूद है, हम एहतियात कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इसको इख्तियार नहीं करते, अल्लाह ताला ने हमें असबाब दिए, असबाब नहीं दे इख्तियार करते, तो ये तवक्कुल नहीं होगा, इसको तातुल कहा जाएगा। तवक्कुल ये है कि जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं, जो चीज़ें भी हैं, उनको इख्तियार करें। इख्तियार करने के बाद अब जो है वो डरना नहीं है, अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हसबुह, ग़ज़वा बदर के अंदर भी यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा इकराम जो आपके जानिसार थे, साथी थे, मौजूद थे, उनको साथ दिया, और जितना असबाब हो सकते थे, 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, वो साथ दिए, मैदान बदर के अंदर निकल गए। अब अल्लाह ताला पर भरोसा शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उनकी राय ली, उनको मुत्तफिक किया, एक फैसला था जो भी था उस पर मुत्तफिक किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी बहुत अजीब हस्तियाँ थी, उन्होंने भी कहा, बहुत अजीब व गरीब जवाब दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद उन पर बढ़ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यानी ग़ज़वा बदर के बारे में, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने, एक सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं करेंगे। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाने और आपका रब जाने, हम तो यहीं बैठे। इस तरह नहीं किया, बल्कि फरमाया कि हम आपके साथ होंगे, हम आपका साथ देंगे। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला
इन्ना मअकुमा मुकातिल, हम आपके साथ लड़ेंगे, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह हम करेंगे। ये है इत्तेहाद, मुत्तहिद हो जाना, किसी बात पर मुत्तफिक हो जाना, इसके ऊपर अल्लाह ताला की मदद होती है। यदुल्लाहि अलल जमा, आदमी किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो उस वक़्त अल्लाह ताला की मदद होती है, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद शामिल है। पहला सबक जो है वो हमें इसके अंदर ग़ज़वे बदर के अंदर ये मिलता है। और इसी तरह एक और अंसारी सहाबी हसाद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला को, उन्होंने भी कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लविस्तान वस्ता, अगर आप हमें हुक्म दें हाजर बिना हाजर बा, हमें आप इस यानी समुंदर के अंदर कूदने का हुक्म दें तो हम आपके हुक्म की तामीन करते हुए इस जंग के अंदर समुंदर के अंदर कूद जाए। ये मुत्तफिक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इत्तेहाद हो गया आपस में। उसके बाद ग़ज़वे बदर के अंदर पहुँचते हैं तो अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, असबाब जमा कर लिए जितने हो सके, इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला ये थोड़ी सी जमात है, आपने मेरे से वादा किया आप मेरी मदद फरमाइए, अगर ये थोड़ी सी जमात है ये हार गई तो फिर आपका नाम लेने वाला जो है वो कोई नहीं। तो सारी रात अल्लाह ताला को पुकार रहे, अल्लाह ताला के सामने खड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुक, या अल्लाह के रसूल अब बस कर दीजिए, अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर भी ज़रूर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आमोज़ारी के साथ इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा, इतनी यानी फरियाद के साथ आहुज़ारी के साथ अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि फस्तजाब लकुम रब्बुकुम, अल्लाह ताला जो है वो इस हालत में पुकार को सुनता है, तो अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो है वो 313 एक तरफ है और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर है, मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है वो फतह दे दी, सयुहज़ुल जम्उ वयुवल्लुन अद्दुबूर, मुसलमानों को फतह दे दी और जो मुशरिकीन थे कुफार थे वो सारे जो है वो शिकस्त खाकर भाग गए। ये ग़ज़वे बदर के अंदर हमारे लिए जो है वो इन हालात के अंदर एक सबक मौजूद है कि असबाब को इख्तियार किया जाए, जितने असबाब हम इख्तियार कर सकते हैं उन असबाब को छोड़ा ना जाए, असबाब को इख्तियार कर लेने के बाद अब असबाब पर भरोसा नहीं करना, यकीन नहीं करना, भाई थोड़े हैं पैसे नहीं हैं ये है वो है हम कैसे करें इसका मुकाबला, ये क्या होगा, नहीं, असबाब इख्तियार करनी है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला को पुकारना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हसबुह, जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है अल्लाह ताला की ज़ात उसको काफ़ी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझ के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।